नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने एक्सीलेटर का पार्ट वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम डिटेक्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और डिटेक्टर की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके अंदर हमने जो गैसों का आयनन जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल जो होता है, उसके 6 क्षेत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि उसको 3 भागों में यानी 3 काउंटर उसके हम पढ़ेंगे, गणितर उसके पढ़ेंगे। एक होता है आयनन कोष्ठ गणितर, एक होता है आपका प्रोपोर्शनल काउंटर जिसे अनुपातिक गणितर बोलते हैं, और एक होता है आपका जीएम काउंटर। जीएम काउंटर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं यहाँ पर आयनन कोष्ठ गणितर, आयनाइजेशन चैम्बर काउंटर के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो में इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके कंपटीशन और भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 15 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का 3री यूनिट है न्यूक्लियर फिजिक्स की, ये यहाँ पर पेपर नंबर 2 के अंतर्गत आती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आयनन कोष्ठ गणितर किसे कहते हैं? देखो, वैसे तो जो इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था डिटेक्टर का, अभी परसों ही अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने 6 क्षेत्र बताए थे, पुनर्संयोजन क्षेत्र, आयनन क्षेत्र या जिसे संतृप्त क्षेत्र भी बोलते हैं, अनुपातिक क्षेत्र, सीमित अनुपातिक क्षेत्र, गाइगर क्षेत्र और एक आपका लास्ट में होता है अविरत विसर्जन क्षेत्र जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का क्षेत्र होता है आयनन क्षेत्र जिसे कहते हैं, आयनन कोष्ठ क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पहले बातें हम पढ़ चुके हैं वो बातें सेम रहेंगी, तो मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है, आपको शॉर्टकट में याद रखनी है, वही काम आएंगी, वही बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयनन कोष्ठ क्षेत्र में अगर काम करे तो उसे आयनन कोष्ठ गणितर कहते हैं, यानी आयनाइजेशन चैम्बर काउंटर से बोला जाता है। यहाँ आयनन कोष्ठ में 6 सेंटीमीटर मरकरी दाब पर, मरकरी यानी पारा HG पर दाब पर आर्गन CO2 या आर्गन CH4 उपस्थित होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी कार्यकारी वोल्टता जो है वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट के मध्य होती है, यानी जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट के मध्य रखी जाती है इस क्षेत्र के लिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में धारास्पंद की ऊंचाई जो है, जो हम आयनन धारा YX पे लेते हैं, उसकी ऊंचाई जो है वो आपकी प्रारंभिक आयनन पर निर्भर करती है, आरोपित वोल्टता पर नहीं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मेरे को यहाँ पे बतानी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पीछे वाली रिवाइज नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आप आयनन कोष्ठ में ये गणित आता है परीक्षा में तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ आप देखिए, ये ग्राफ मैंने जो कंप्लीट 6 क्षेत्रों में डिवाइड किया था वही ग्राफ है, लेकिन वो तो सारे एक साथ 6 क्षेत्र थे, यहाँ पर आपका सिर्फ आयनाइजेशन जो रीजन होता है उसका ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर ये आयनन धारा है, ये आरोपित वोल्टता है, ये यहाँ पे V1 है, ये V2 है, V2 के बाद दूसरा क्षेत्र आ जाता है आपका अनुपातिक क्षेत्र, और V1 से पहले आपका कौन सा क्षेत्र आ जाता है, V1 से पहले आपका पुनर्संयोजन क्षेत्र होता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये बीटा के लिए है और ये अल्फा के लिए ग्राफ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे संतृप्त धारा होगी और ये आयनन कोष्ठ क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें देखें कि इसमें वोल्टता V का वह परास जिस पर स्पंद धारा की ऊंचाई नियत रहती हो वह कई कारकों पर निर्भर करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो वोल्टता आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो परास है, उसकी जो रेंज है, उसके आधार पर जो स्पंद धारा पैदा होगी वो आपके किन कारकों पर निर्भर करेगी, वो गैस के दाब पर, इलेक्ट्रोडों के आकार पर, गैस के आयनन की प्रकृति पर, ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, गैस के दाब पर, इलेक्ट्रोडों के आकार पर, इलेक्ट्रोडों मतलब एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है उसके अंदर, और गैस के आयनन की प्रकृति यानी गैस है वो किस प्रकार से किस प्रकृति की आयनित होने वाली जो गैस है, इन चीज़ों पर जो परास है उसका मान निर्भर करता है। इसके अलावा 4 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे संतृप्त आयनन धारा, जो संतृप्त आयनन धारा का जो मान है वो आयन कारक द्वारा यानी जो आयन करने वाला जो कण है, अल्फा बीटा गामा जो भी है, द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इसी को हम आगे पूरे टॉपिक में प्रूफ करने वाले हैं,
हमारे पास रिजल्ट आएगा कि जो आयनन धारा है, वोल्टता परिवर्तन है, वो सिर्फ आपको आयनों की संख्या पर ही निर्भरता दिखाएगा, बाकी चीज़ों पर वो निर्भर नहीं होता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। पांच नंबर पॉइंट आता है कि अल्फा के द्वारा आयनन अधिक मात्रा में होता है, अतः अल्फा के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है ये क्षेत्र, यहाँ पे देख सकते हो। बीटा के लिए यहाँ इतना है और अल्फा के लिए ज़्यादा है सेम वोल्टेज पर। इसके बाद इसमें एक पॉइंट लास्ट और ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। एक आयनीकरण कण की ऊर्जा अगर ई है और आयनन युग्म के लिए आवश्यक ऊर्जा डब्लू है। आयनन युग्म का मतलब क्या हो गया, जब गैस में से कोई एक आयनकारी कण प्रवाहित होगा तो वहां पे धनायन और ऋणायन उत्पन्न होंगे युग्म के रूप में, तो उनकी ऊर्जा अगर डब्लू है तो वायु में अगर आपको एक आयन युग्म उत्पन्न करना है तो आपको कम से कम 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें इसका सिद्धांत समझना जरूरी है कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पर ये जो अगर इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊं तो ये वही आपकी एक धात्विक ट्यूब है जो कैथोड का कार्य करती है, और यहाँ पर ये जो तार लगा हुआ है ये एनोड का कार्य करता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बनाया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कैथोड है और ये एनोड है और इनके मध्य की दूरी है डी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हो, बाकी डायग्राम वही है। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे आपकी जो डीसी पावर है वो लगी हुई है, हाई वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डायग्राम देखें, पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो इतनी ही चीज़ पर चलेगा, बाकी अपने को कोई लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो आर सी होता है, जिसे टो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टाइम ही होता है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप बहुत बार पढ़ के आए हो, कालांक जिसे कहते हैं, समय कालांक जिसे कहते हैं। तो पूरी की पूरी जो थ्योरी है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, वो इस घेरे के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो क्वांटिटी है सिर्फ इन्हीं बातों पर वो डिपेंड रहेगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि ये जो ट्रेक मैंने लिखा है ये डॉटेड लाइन से दिखाया कि मान लीजिए आयनकारी जो कण है वो इस पथ से गुजर रहा है जो आपका एनोड के अक्ष के सापेक्ष है, किसी टी टाइम पे एनोड से एक्स नोट दूरी के ऊपर वो जा रहा है। जैसे वो यहाँ से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन और आपके धनायन को वो उत्पन्न करेगा आयन युग्म के रूप में, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लगा रखा है एनोड कैथोड, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी पैदा होगा, और उस वजह से आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो इन पे बल भी लगाएगा, तो धनायन और ऋणायन अलग अलग दिशा में गति करते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण, तो यहाँ पर उनका अपवहन वेग भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो एनोड है उसकी तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैथोड की तरफ ये धनायन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनायन को मैंने एक सर्किल के रूप में लिया है और इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु के रूप में लिया है जो मैंने डार्क करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन है वो इसी चीज पर चलता है। यहाँ पर आप देखें, माना एक आयनकारी कण अक्ष के समांतर और अक्ष से एक्स नोट दूरी से गुजरता है, अभी डायग्राम में आपने देखा, तथा कोष्ट में चैम्बर में एन आयन युग्म उत्पन्न होते हैं, जैसे एक युग्म, दो युग्म, तीन, इस तरीके से एन आयन युग्म उसमें उत्पन्न होते हैं। तब इलेक्ट्रॉन केंद्रीय एनोड की ओर और धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, और धनायन है वो पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड नेगेटिव होता है तो उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो समय नियतांक है या समय कालांक है टी सी बराबर आर सी होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो टाइम के इक्वल होता है। यदि आर सी जो समय कालांक है उसका मान आयनों के संग्रहण होने में लगे समय की तुलना में अगर बहुत ज़्यादा हो तो आयनन होते ही आर में धारा प्रवाहित हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। कब हो जाएगी उसमें धारा प्रवाहित, जब आर सी का मान जो है समय नियतांक का वो आयनों के संग्रहण होने में जो लगने वाला समय है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो तब। अब संग्रहण का मतलब क्या है, संग्रहण का मतलब यहाँ पर यही है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे एनोड की तरफ वो एनोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो धनायन है वो कैथोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस तरीके से इनका डिटेक्शन हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉनों और धनायनों का अपवाह वेग, जब भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉनों का धनायनों का जो वेग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वी ई और धनायन के लिए लिखा मैंने वी पी,
तो आयनों का पथ जो ट्रेक है वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए टी स्मैप पर इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रेक है वो एनोड से एक्स नोट माइनस वी ई टी दूरी पर होगा। ये कंप्लीट है, वो एक दूरी ही है, मीटर में होगी, बताऊंगा अभी कैसे है। टी स्मैप पर धनायनों का जो ट्रेक है, जो पथ है, वो एनोड से एक्स नोट प्लस वी पी टी दूरी पर होगा। अब ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पर ये वी ई टी जो है ये क्या है, वी ई एक वेग है और टी है समय, और वेग इंटू समय क्या होती है, दूरी ही होती है, यानी इसकी यूनिट वो मीटर में आएगी और एक्स नोट भी एक दूरी है। तो ये एक्स नोट माइनस वी ई टी कैसे लिखा इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे डायग्राम में देखिए मैंने इसमें लिखा था एक्स नोट माइनस वी ई टी, ये इसकी कंडीशन होगी। ये जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है ये इस एनोड से एक्स नोट दूरी पर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये आपका, आपके पास कोई डायरेक्ट इसकी दूरी तो है नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की दूरी को, इसके अपवहन वेग को समय से गुणा करके हमने लिखा, यानी ये जो टर्म है वो एक दूरी के बराबर ही है। तो इस एक्स नोट में से इतनी डिस्टेंस मैं ये घटा दूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, तो वो एक्स नोट माइनस वी ई टी ही लिखी जाएगी ना, तो ये इसकी पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो आपका धनायन है वो एक्स नोट प्लस वी पी टी दूरी पर होगा। अब ये कैसे होगा, ये Vp है, ये आपका धनायन का अपवहन वेग हो गया इंटू समय, यानी इन दोनों का जो गुणा है वो एक दूरी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से देखें कि ये जो एनोड के सापेक्ष हम बता रहे हैं, एनोड से इतनी दूरी एक्स नोट है और आपका जो धनायन है वो इतनी दूरी आगे है इस पथ से, मतलब इस दूरी को डायरेक्ट हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसके अपवहन वेग को समय से गुणा कर दें तो हमारे वो दूरी आ जाएगी, वो पोजीशन उसकी आ जाएगी। तो एक्स नॉट प्लस वी पी टी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये इन दोनों की पोजीशन यहाँ पर हो जाती हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, यही आपको समझना था। इसके बाद तो बिल्कुल आसान काम है। यदि टी पर एनोड पर, यानी टी समय पर एनोड पर इलेक्ट्रॉन और धनायनों से प्रेरित आवेश क्रमशः क्यू ई टी और क्यू पी टी हो, क्यू ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू टाइम टी टाइम के साथ, और क्यू पी टी हो, तो एनोड की वोल्टता में परिवर्तन क्या होगा। देखें ध्यान से, वोल्टता में परिवर्तन बताना है तो कैसे बताओगे। आप जानते हैं कि विभव बराबर आवेश बटे धारिता होती है, यानी धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है, और क्वांटीकरण सिद्धांत आपने पढ़ा है 12वीं कक्षा में, क्यू बराबर होता है एन ई। तो यहाँ पर एन तो मेरा पहले से था ना, एन यू आई निगम की हम बात कर ही रहे थे। अब ये जो E आया यहाँ पर, इस E की जगह हमारे पास दो E है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक है धनायन का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा वोल्टता में परिवर्तन आ जाएगा T टाइम पे, Vt बराबर N है और E की जगह हमारे पास दोनों आवेश आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का तो QET प्लस QPT अपॉन C, समीकरण नंबर एक। इतना काम करने के बाद आपको QET का मान रखना है और QPT का मान रखना है, और रखेंगे कब, जब निकालेंगे। तो पहला काम है इनके मान निकालिए, फिर यहाँ पे रखिए, रखते ही आपका लास्ट रिजल्ट है एक तरीके से आ जाएगा। अब समझिए इसको कि QET किसके बराबर आप लिखेंगे, तो QET बराबर क्या होगा, माइनस के ई इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया आवेश, टी स्मैप पर इलेक्ट्रॉन की सतही और कैथोड के मध्य वोल्टता और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के अनुपात के बराबर होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टी स्मैप पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और कैथोड में क्या वोल्टता थी, तो माइनस का ई यहाँ पे रह गया, डी माइनस के एक्स नोट माइनस वी ई टी मैंने इसमें माइनस कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी थी डी। यहाँ पे डायग्राम में देखें आप, यहाँ पर देखें दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी है डी, और इस डी में से मैंने क्या माइनस किया, यहाँ देखें डी में से मैंने क्या माइनस किया, डी में से माइनस किया मैंने एक्स नोट माइनस वी ई टी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी, यानी कि मैंने इक्वेशन अभी लिखी है डी माइनस एक्स नोट माइनस वी ई टी, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये कंप्लीट अगर डायग्राम हम करें तो यहाँ पर ये नली भी क्या है, कैथोड है, यानी कि ये एनोड कैथोड के मध्य की दूरी भी आपकी कितनी है, ये दूरी भी आपकी क्या है, डी दूरी ही होती है, ठीक है। तो इस डी में से आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो हमने ये बताई थी एक्स नोट माइनस वी ई टी, या आप माइनस कर देंगे तो ये इनके मध्य का जो रिलेशन है वोल्टेज के अंदर वो आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा है।
इसी प्रकार से अगर आप धनायन की बात करें तो धनायन के लिए इसमें माइनस नहीं लगेगा, डी माइनस के एक्स नोट प्लस वी पी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स नोट प्लस वी पी टी होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, समीकरण नंबर आगे 3। अब ये दोनों जो मान है वो आपको कहाँ रखने हैं, ये दोनों मान आपको समीकरण 1 में रखने हैं, यहाँ पर क्यू ई और क्यू पी टी की जगह। तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो आपके पास आएगा वी टी बराबर माइनस ई एन डी माइनस एक्स नोट प्लस वी ई टी माइनस डी प्लस एक्स नोट प्लस वी पी टी अपॉन सी डी, क्योंकि ये जो सी डी नीचे आया तो डी तो यहाँ से आएगा और सी आपका इसमें पहले से ही प्रेजेंट था, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप थोड़ा सा, यहाँ देखिए माइनस मैंने बाहर ले लिया था पहले से ही, तो अंदर जब मैं इसका मान रखूंगा ना तो पहले तो डायरेक्ट रखूंगा तो वो प्लस में आएंगे, लेकिन माइनस बाहर लेने से मैंने माइनस को अंदर गुणा करवा के लिख दिया है, तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ई एन वी ई टी प्लस वी पी टी यहाँ रह जाएगा अपॉन सी डी, समीकरण नंबर आ गई 4। एक तरीके से आपका रिजल्ट है वो आ चुका है। अब हम इसमें कुछ केस लगाएंगे। ये आया एनोड पर वोल्टता परिवर्तन का मान माइनस ई एन वी ई टी प्लस वी पी टी अपॉन सी डी, समीकरण नंबर 4। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ तक मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसके आगे हमें बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन और धनायन की जो विभव परिवर्तन है वोल्टता परिवर्तन उसको डिफाइन करना है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो धनायन से बहुत कम होता है, धनायन से काफ़ी कम होता है, तो आपको पता है जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज़्यादा स्पीड चलेगा, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी उसकी होगी। वैसे स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा कोई दिशा वगैरह की बात नहीं कर रहे, सदिश सदिश की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम स्पीड या वेलोसिटी को एक ही मान लेते हैं। उसका वेग बहुत अधिक होगा तो संग्रहण करने का समय भी कम लगेगा। अब ये बताइए कि जिसका वेग ज़्यादा होगा वो जल्दी जहाँ पर इसका संग्रहण हो रहा है वहाँ पर पहुँचेगा, इसका मतलब जिसका वेग ज़्यादा है वो जल्दी पहुँचेगा, यानी उसका जो टाइम है वो क्या होगा, कम होगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था कि वी पी वेरी वेरी लेस देन वी ई, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ज़्यादा होगा इसके धनायन के वेग से, तो इसका अपोजिट हो जाएगा टाइम के लिए कि इलेक्ट्रॉन का जो संग्रहण टाइम है वो इस धनायन के संग्रहण टाइम से क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके अंदर हम दो केस लगाएंगे, दो या तीन केस लगाएंगे। पहला केस ये है कि यदि टी समय आप इस प्रकार से लें कि टी का मान है वो टी ई यानी इलेक्ट्रॉन का जो संग्रहण टाइम है उसके बराबर हो या उससे कम हो तो क्या होगा। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वी ई टी वो वी पी टी से क्या होगी, आगे रहेगी, क्योंकि भाई ये टाइम कम लगेगा तो ये ज़्यादा नज़दीक होगा आपके संग्रहण जहाँ पे इसका हो रहा है, तो वी ई टी का मान है वो वी पी टी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम वी पी टी को यहाँ पे नेगलेट मान सकते हैं, तो हम फॉर्मूले में इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास इस कंडीशन में वी टी का मान बचेगा माइनस ई एन वी ई टी अपॉन सी डी, समीकरण नंबर आ गई 5। ठीक है, अब इसका अपोजिट कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, केस 2 में जब समय इस प्रकार से लिया जाए कि जो टी है वो टी पी यानी कि धनायनों का जो संग्रहण टाइम है, संग्रहण समय है, उससे ज़्यादा या उसके बराबर हो, तो इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट नहीं मानेंगे। ये आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का जो संग्रहण टाइम ज़्यादा होता है तो प्रोटॉन यानी कि जो धनायन है वो तो धीरे चलेगा, तो उसको नेगलेक्ट मान सकते हो, लेकिन अगर आपने टाइम जो है वो लगभग टी पी या उससे ज़्यादा ले लिया तो इसका मतलब धनायन तो चले ही चलेगा स्पीड, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उससे भी तेज चलेगा ना, तो वहाँ पर नेगलेक्ट नहीं माना जाता है। तो वी टी बराबर इस कंडीशन में सेम आपका फॉर्मूला है वो रह जाता है। अब ये जो टाइम टी है अगर इसको टी बराबर टी पी ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये केस थर्ड बन जाता है कि अगर टी बराबर टी पी हो तो वी टी बराबर माइनस ई एन वी ई टी ई प्लस वी पी टी पी अपॉन सी डी हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देखें कि जो वी ई टी ई और वी पी टी पी का मान है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि वी ई टी ई बराबर एक्स नोट के बराबर होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी और टाइम का जो गुणनफल है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, और वी पी टी पी जो है वो डी माइनस एक्स नोट के बराबर होगा, क्योंकि जो दोनों कैथोड और एनोड के मध्य के जो डिस्टेंस है उसमें से जो पोजीशन है आपके ट्रैक की वो माइनस कर दो, वो आपका
इसके लिए आ जाएगा, धनायन के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप टी पी का मान ज्ञात कर सकते हो और टी ई का मान ज्ञात कर सकते हो। तो टी ई बराबर एक्स नॉट अपॉन वी ई और टी पी बराबर डी माइनस एक्स नॉट अपॉन वी पी होगा, लेकिन हमें फॉर्मूले में चाहिएगा पी ई टी ई और वी पी टी पी का मान, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रखना होगा। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो वी टी बराबर आएगा माइनस के ई एन एक्स नोट प्लस डी माइनस एक्स नोट, जो कि वी पी टी पी का मान था, अपॉन सी डी, और एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा वी टी बराबर माइनस ई एन डी अपॉन सी डी, डी से डी फिर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फाइनल जो वोल्ट का परिवर्तन है एनोड पर वो मिलेगी माइनस ई एन अपॉन सी। अब देखें ई एन लिखो चाहे एन ई लिखो, क्या ये क्वांटीकरण सिद्धांत से क्यू अब इसके बराबर नहीं होता है, तो ये क्यू अपॉन सी के बराबर ही होता है, आगे बताऊंगा मैं इसको। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अब इसमें आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि धारिता है ये सी, तो ये कैपेसिटेंस उसमें लगा हुआ है, ये आपका आवेश है, और एन जो है वो आयनों की संख्या है। ये ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये टाइम है एक्स एक्स पे और ये है आपके वोल्टेज में परिवर्तन है नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे जो टी ई है इलेक्ट्रॉनों का वो तो इस तरीके से ग्राफ आता है, यानी जो वोल्टता परिवर्तन है वो इनमें इतना होगा, कम टाइम पे हो जाएगा। लेकिन जब टी पी की बात करेंगे धनायनों के लिए तो उन पर ज़्यादा आता है, यहाँ पर जाके आता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इनका होता है। और ये ई एन अपॉन सी यहाँ पे मान है, मैग्नीट्यूड है। ये था एनोड पर वोल्टता में परिवर्तन का ग्राफ। अब जो फॉर्मूला आपने देखा था उसमें मैंने बताया कि वोल्टता में परिवर्तन केवल उत्पादित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि यही था फॉर्मूला, संख्या एन पर ही निर्भर कर रहा है। और यही मैंने आपको पीछे बताया था कि हम इसी को प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको यहाँ पर, ये पॉइंट देखिए आप, चार नंबर जो पॉइंट था कि संतृप्त आयनन धारा यानी वोल्टेज है तो धारा भी उस पर आएगी, आयनन कारक द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी इसी को मैंने प्रूफ किया है, यही इस टॉपिक में करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ के बाद ये आ गया, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो ये माइनस को हम हटा देंगे, एन ई क्वांटीकरण सिद्धांत से क्यू के बराबर होता है, क्यू अपॉन सी। अब इसमें कुछ चीज़ें और बता सकते हैं, ये जो आगे पॉइंट बताने वाला हूँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। क्यों है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो सभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं जो अभी बता रहा हूँ। आपके पास अगर बुक है तो बुक में देख सकते हो, दो तीन एग्जांपल इस पे मिलेंगे इस टॉपिक के बाद, उसमें यही फॉर्मूले लगा के न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं। यदि आयन युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा डब्लू हो, यानी जो आयन युग्म आप उत्पादन करने वाले हैं उनके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की वो डब्लू हो, और आयन कार्य कण की ऊर्जा है ई, तो आयन युग्मों की संख्या जो है वो एन बराबर ई बटे डब्लू के बराबर होती है। यानी कि जो आयन युग्म उत्पन्न होंगे उनकी संख्या जो है वो आयन कार्य कण की ऊर्जा और आवश्यक ऊर्जा के अनुपात के बराबर होती है। तो आप एन की जगह ई बटे डब्लू रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड वाले में, तो वोल्टता स्पंद की ऊंचाई आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगा वी बराबर एन ई अपॉन सी, और एन बराबर रखा ई बटे डब्लू। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप फॉर्मूला दे सकते हैं, V बराबर E अपॉन डब्ल्यू सी। इस प्रकार से आपने ये देखा कि आयन कोष्ट गणितर के अंदर किस प्रकार से वोल्टता स्पंद की ऊंचाई एनोड पर वोल्टता परिवर्तन निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शनल काउंटर अनुपातिक गणितर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।